अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हाफिज शाहजेब है। जैसा कि आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ पार्ट 1 है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब। फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर सवाल को सेम कॉपी कर लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब। अब हमने फैक्टर्स बनाने हैं इसके, इस वैल्यू के हमने फैक्टर्स बनाने, मतलब तोड़ना है इस वैल्यू को। तो इस वैल्यू में अगर देखा जाए तो दो वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, यहाँ पर है x और यहाँ पर y। x की पावर भी 3 है, क्यूब है मतलब, और y की पावर भी 3 है। पावर अगर 3 हो तो उसको क्यूब बोला जाता है, तो x क्यूब और y पर भी क्यूब है। बट यहाँ पर y के साथ एक नंबर गिवन है, y का कोफिशियंट जो है वो 8 है, पर 8 की पावर यहाँ पर जो है वो 1 है। इसकी भी पावर क्यूब, इसकी भी पावर क्यूब, बट यहाँ पर पावर 1 है। हमने कहा अगर इस 8 को तोड़ के इसकी पावर भी क्यूब बना दी जाए तो यहाँ पर हम एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस 8 को तोड़ लेंगे, 8 का एलसीएम ब्रेक कर लेंगे। 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो यहाँ पर 8 का जो एलसीएम ब्रेक होगा होगा 2 × 2 × 2। तीनों बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, जाएगा 2 का क्यूब। मतलब यहाँ पर जो 8 हम ब्रेक करेंगे, 8 की जगह हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। सो 2 का क्यूब का मतलब होता है 3 मरतबा 2 मौजूद है, तो इसलिए यहाँ पर इस 8 की जगह आ जाएगा ये एक्स क्यूब सेम आएगा, माइनस 2 क्यूब वाई क्यूब। अब यहां पर हमने देखा तो 2 पर भी क्यूब, y पर भी क्यूब, हमने कहा दोनों वैल्यूज पर क्यूब है, तो अजीब सा लग रहा है ऐसा। इसको हटा के दोनों को एक होल क्यूब लगा देंगे, इससे क्या होगा, ये पूरी वैल्यू का होल क्यूब लग गया, मतलब बाहर जो पावर लगी हुई वो अंदर वाले दोनों नंबर्स पर मौजूद है और यहां पर x पर भी क्यूब मौजूद है। अगर मैं फर्ज कर लेता हूं x बराबर है 1 के और 2y बराबर है b के, इस इक्वेशन में हमारे पास यहां पर एक जो वैल्यू मौजूद थी होती x और एक थी 2y, पावर क्यूब जो है वो सेम रहेगी, सिर्फ इस x को हमने लेट कर लिया a के बराबर और इस 2y को हमने लेट कर लिया b के बराबर। तो ये इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरीके की, a का क्यूब माइनस b क्यूब। अब यहां पर ये इक्वेशन अगर हम ये लेट कर लें तो ये कुछ इस तरीके की बन जाएगी, और a क्यूब माइनस b क्यूब ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, सिंस जैसा कि हम जानते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर होता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। ये पूरी वैल्यू बराबर होती है इसके और ये वैल्यू बराबर है इसके, तो मतलब इस वैल्यू पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहां पर a की जगह आ जाएगा फॉर्मूले में x और b की जगह आ जाएगा 2y, इस पूरी वैल्यू पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सो कर लेते हैं, यहां पर फॉर्मूला है हमारे पास a माइनस b, इस पूरी वैल्यू को इस तरीके से पुट करना है, इस साइड को देखते हुए, राइट साइड को फॉर्मूले की देखते हुए इस पूरी वैल्यू को पुट करना है। सो a बराबर है x के और फॉर्मूले में आ रहा है a, तो a की जगह आ जाएगा x, सो x माइनस b की जगह आ जाएगा 2y। अब हमारे पास फॉर्मूले में है a स्क्वायर, मतलब यहां पर a बराबर है x के, तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस ए और बी, ए और बी दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, सो मतलब एक्स मल्टीप्लाई बाय 2y, फिर आ जाएगा प्लस फॉर्मूले का, लास्ट में है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब बी बराबर है 2y के, तो यहां आ जाएगा 2y का स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब फर्स्ट जो वैल्यू है इसको तो और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो यहां पर ये वैल्यू सेम आ जाएगी x माइनस 2y,
और एक्स स्क्वायर भी सेम आ जाएगा, प्लस ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। इधर वाई के साथ जो नंबर है वो है 2 और एक्स के साथ जो नंबर है वो है 1। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2, और एक्स और वाई जब मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों वेरिएबल सेम आ जाएंगे, एक्स वाई 2xy। अब यहां पर 2y का स्क्वायर है, 2y का स्क्वायर मतलब 2 पर भी स्क्वायर है और y पर भी स्क्वायर है, और 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 2 टू जा 4 और y स्क्वायर आ जाएगा। जब यहां पर जब ये होल स्क्वायर खुलेगा तो ये वैल्यू बन जाएगी 4y स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा आंसर। तो हमें सवाल में बोला जा रहा था फैक्टर्स बनाओ, तोड़ो इस वैल्यू को, तो हमने इस वैल्यू को देखा पहले, समझा, उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू सवाल हमने एक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और सिंप्लीफिकेशंस कर ली। उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।